हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख सकते हो कि मैं हूँ मसालों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फैक्ट्री में आ गई हूँ मसाले की। तो ये है ड्राई प्रोविजन स्टोर, जैसा मैंने आपको बताया बाहर लिखा है। तो ड्राई प्रोविजन में बेसिकली यू गेट ऑल द मसालास एंड मूंग दाल, दाल, राइस, जिसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, जिसको थोड़ा रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम आप स्टोर कर सकते हो, वो सब सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस सेक्शन फर्स्ट। तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर है बॉर्बन। अभी मैं अंदर निकाल के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। सो ये है बॉर्बन बिस्किट्स भर भर के, और यहाँ पे है मैकविटीज डाइजेस्टिव जो मेरे पास भी है, एंड यहाँ पे है ओरियो बिस्किट। ये देखिए, अब ये सब टी टाइम के लिए यूज होता है, तो वो सब हमने यहाँ पे स्टोर किया। ओके, एंड यहाँ पे है ये क्या है, ये है चोको चिप। चोको चिप यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, चुवी चॉकलेट चिप। और यहाँ पे है हल्दीराम्स, जो कि ये सब भुजिया से एंड ऑल इन वन, ये सब है इधर। एंड देन वी हैव दिस टोस्ट, जो फेवरेट है सब लोग का। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आप देख सकते हो मसाला ओट्स है यहाँ पे। अभी क्या होता है ना, कभी कभी वॉच के बाद कुछ कुछ खाने को मन करता है ना, तो रेडीमेड मैगी के अलावा आप ये भी खा सकते हो, आप कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, ओट्स, म्यूसली, ये सब कुछ होता है। एंड देन वी हैव दिस पोड़ी चटनी हियर। ये देखिए पोड़ी चटनी, जो कि फेवरेट है मेरा, विथ इडली। यू जस्ट हैव टू पोर सम कोकोनट ऑयल और इडली का, खा सकते हो, डोसे में भी डाल सकते हो। तो ये है इडली पोड़ी चटनी। और यहाँ पे है ऑलिव्स, जो कि हम यूज करते हैं बर्गर्स में या फिर कोई सैलड बनाते तो। एंड यहाँ पे है बेकिंग पाउडर, लाइट ऑन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे जल्दी खत्म होता है शिप पे, वो है न्यूटेला। ये देखिए कितना बड़े बड़े हैं ये, लेकिन पहले बहुत मन करता था बचपन में, ऐसा लगता था कि यू नो ये लू खा लू, बट अभी यहाँ पे फ्री में रह के भी खाने का मन करता है। तो चलिए, उसके बाद है यहाँ पे ये वेजिटेबल फ्लेवर बेस, आई डोंट नो ये किसके लिए यूज करते हैं। ये है वेजिटेबल स्टॉक, आई थिंक, हाँ ये सूप जैसा है, आपको बस जस्ट बॉइलिंग वाटर में इसे मिक्स करना है एंड सूप बन जाएगा। एंड यहाँ पे है गिरकिंस, जो कि सागर का फेवरेट है, लेकिन वो खा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कोकोनट मिल्क, अगर कोई मिठाई विठाई बनाना है या फिर कोई साउथ इंडियन डिश बनाना है तो। एंड देन यहाँ पे बिस्किट्स रखे गए हैं, तो वही ऊपर के बॉक्सेस से निकाल के, 50-50 गुड डे। देन वी हैव बॉर्बन, देन यहाँ पे है ये है चिकन क्यूब्स, जो कि आप ऐसे करी वरी में या सूप में डाल सकते हो। ये देखिए बीफ का भी है यहाँ पे, लेकिन कोई खाता नहीं है बिकॉज कोई बीफ खाने वाला है नहीं। ये देखिए चोको चिप। एंड देन वी हैव ये है कस्टर्ड पाउडर, जो कि स्वीट में यूज होता है आफ्टर डिनर। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है ऑरेंज फ्लेवर्ड स्पोर्ट्स ड्रिंक, दिस इज लाइक बेसिकली लाइक टैंक। तो ये सब यहाँ पे रखे हैं, और पीछे सॉसेस भी है कई कई। और यहाँ पे क्या है, ये है, ये पता नहीं गाइस क्या है, सैल लिखा है, सॉल्ट है शायद, है ना, एक्चुअली दिस सॉल्ट, ये पनामा से आया है इसके लिए। ये देखिए पनामा, यू कैन सी इट इज रिटन पनामा। सो नीचे चलते हैं अभी सेकेंड वाले में। सो गाइस सेकेंड कंपार्टमेंट में आते हैं हम। यहाँ पे है जैम, ये कल ही आया है, उसमें से एक टूट गया था लेते टाइम, तो इसलिए मैं उठा के नहीं दिखाऊंगी। दिस इज ब्लैकबेरी जैम, ये है ब्लैक सॉल्ट पाउडर, ये है ब्लैक सॉल्ट, ये भी ब्लैक सॉल्ट ही है, ये भी ब्लैक सॉल्ट है। यहाँ पे है नेस्ले का इवेपोरेटेड मिल्क, इसका मतलब ये मिल्क मेड है, ये मोस्टली ये दिस इज मिल्क मेड, ये भी मिठाई के लिए यूज होता है। देन यहाँ पे है मस्टर्ड सॉस, और वहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट गुलाब जामुन भी है, वो रखा है। देन वी हैव दिस मैंगो स्वीट स्लाइस्ड चटनी, और ये है पूरा टमाटो केचप हाइंस का, जो अभी नया स्टॉक आया है। और यहाँ पे है सागर का फेवरेट, जिस सागर के मुंह में पानी आ रहा है, दिस इज पिकल्स, लाइम पिकल, बट सागर को ये अच्छी लगती है, मैंगो पिकल, राइट सागर? यस। तो मैंगो पिकल आई डोंट थिंक आया है।
रेड चिली पिकल भी है इस बार स्टॉक में, एंड मुरब्बा टाइप्स भी है, मैंगो चटनी ये देखिए, और हाँ और ये है हींग, ये देखिए हींग पाउडर, देन ये एक स्वीटनर है जो चाय कॉफी में भी डाल सकते हैं क्या, क्रीमर, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट, क्रीमर है वही है, मिल्कमेड टाइप ही है थोड़ा। सो ये है होल पील्ड टमाटोज, तो मैंने चीफ को पूछा था कि आप लोग ये कब यूज़ करते हो, तो उन्होंने कहा कि जब टमाटो नहीं होते हमारे पास तब ये मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग, वरना इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। ओके देन वी हैव दिस टबैस्को, ये है, और यहाँ पे है घी, ये है घी, और ये है मेपल सिरप, मतलब सॉरी पैनकेक सिरप, आई थिंक मेपल सिरप ये, हाँ 2% मेपल सिरप। ओके और यहाँ पे भर भर के सॉसेस है, जैसे चिंग्स के रेड चिली सॉस, देन ये है स्वीट चिली सॉस, वही सब सॉसेस सॉसेस रखे हैं यहाँ पे। एंड व्हाट इज दिस, ये कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है, पता नहीं, अभी निकाल नहीं सकूँगी मैं, थोड़ा सा अंदर है, क्या है वो, हनी है क्या, हनी है सर, हनी होगा। ओके तो यहाँ पे आते हैं, ये है हनी, इट्स लुक सो नाइस, ये हनी है, और इसमें है कॉफ़ी, मतलब ये सब है फ्लेवर, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर है ये, अगर कोई डिश बनाना है जिसमें कॉफ़ी का फ्लेवर देना है, केक बनाना है, तो ये सब उसी के हैं एसेंस, हाँ एसेंस टाइप्स, ये देखिए रोज पिंक, ये कलर है रोज पिंक कलर, ये सब कलर वाला डब्बे हैं, कलर्स एंड फ्लेवर्स। एंड यहाँ पे है बीन्स, जो सुबह सुबह संडे को स्पेशली ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है, हाइंस बीन्स इन रिच टमाटो सॉस, सो जस्ट निकाल के ऐसे ही थोड़ा सा माइक्रोवेव करना पड़ेगा शायद ना, मेरे को पता नहीं गाइस कैसे इसको, मतलब ये हम लोग तो खाते नहीं है ना, सो वी डोंट नो, फिर रखते। एंड देन यहाँ पे है फॉल्जर्स क्लासिक रोस्ट, आई थिंक दिस इज कॉफ़ी, आई थिंक सो, बट एग्जैक्टली मैं आप लोग को, मुझे लग रहा है हाँ कॉफ़ी है, ये देखिए फॉल्जर्स कॉफ़ी या ग्राउंड कॉफ़ी, बड़े से डब्बे में आई है, दो है यहाँ पे। ओके यहाँ पे क्या है, ये है रोज़ वाटर, ये भी मतलब खाने के लिए जब रोज़ का फ्लेवर चाहिए होता है तो यूज़ होता है, दिस इज हाउ इट इज़। और ये देख सकते हो आप लक्ष्मी यूएसए से आया है, और अंदर चलते हैं, ये है विनेगर फॉर चाइनीज एंड ऑल, एंड देन वी हैव इटालियन ड्रेसिंग जो सैलड वैलड में यूज़ होता है, देन यहाँ पे है, ये है स्ट्रॉबेरी सिरप, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता एक्चुअली, ये आइसक्रीम आइसक्रीम के ऊपर कुछ डालना होगा तब शायद मेरी, ये मस्टर्ड ऑयल है कभी अगर खाने में यूज़ हो जाए तो, और यहाँ पे है कॉफ़ी मेट, जिसको दूध के साथ कॉफ़ी नहीं पीना है तो कॉफ़ी मेट डाल के पी सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूसली है सीरियल्स विथ ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, ये आया है, देन यहाँ पे आया है सम बकलावा, ये देखिए, एंड वहाँ पे ये लड्डूस है, और ग्रीन टी है, देन वी हैव वर्मिसेली, और इसके अंदर है बनाना क्लस्टर्स, आई डोंट नो क्या है बनाना क्लस्टर्स, वो निकला हुआ है मैं नहीं कहूँगी, और उसके नीचे ही है यहाँ पे केक रेडी मिक्स जो होता है ना, जस्ट आपको मिक्स करना है एंड थोड़ा अवन में रखना है, वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है ये पूरे, एंड देन ऑल्सो वी हैव पैनकेक का ब्लूबेरी पैनकेक समथिंग, ये संडे के लिए सब यूज़ होता है। और यहाँ पे है पीच फ्लेवर्ड आइस टी वाघ बकरी का, पहली बार देखा है वाघ बकरी मैंने। ओके देन वी हैव दिस फ्रूट कॉकटेल जो कि यूज़ किया जाता है कस्टर्ड में, एंड ये भी वही है फ्रूट कॉकटेल, ये सारे फ्रूट कॉकटेल है। और यहाँ पे है कंडेंस्ड क्रीम, वही मिल्कमेड टाइप्स, एंड यहाँ पे है बटर पॉपकॉर्न जो कि हम लोग खाते थे अवन में माइक्रोवेव, आपको 3 मिनट्स माइक्रोवेव करना है, वो टेस्टी होता है, भी होगा। ये है स्वीट कॉर्न, स्वीट होल कर्नल, होल स्वीट कॉर्न, मतलब सिर्फ आपको बॉयल भी करना ज़रूरी आई डोंट थिंक है करके, मे बी पता नहीं, शायद इसको माइक्रोवेव में हो जाएगा ये, तो टिन वाले आइटम्स मुझे इतना आइडिया नहीं है गाइस। सो ये हो गया ये सेक्शन, सो ये है
थर्ड कंपार्टमेंट यहाँ पे है वेफर्स, चॉकलेट वेफर्स, देन यहाँ पे फ्रीजर बैग रखा है इन्होंने यहाँ पर, और यहाँ पे है टैंग जो कि है लेमन फ्लेवर्ड, देन स्पेगेटी सॉस है जो कि पास्ता में भी यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो भर के ये है क्लव्स है ना, क्लोव्स क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में ये इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये है लॉन्ग, और यहाँ पे है सरसों का साग, अरे वाह सरसों का साग भी आ गया अभी दरबार से, या अभी जस्ट इसको निकाल के इसको जस्ट गर्म करना है और तड़का मारना है बस, नाइस यार। तो उसके बाद यहाँ पे है मशरूम, ये पीसेस एंड स्टेम्स है, उसके बाद यहाँ पे है टमाटो पेस्ट विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड पास्ता समथिंग, देन यहाँ पे इन्होंने हल्दीराम्स की कुछ भी आइटम्स निकाले हैं, बट ये इसमें हल्दीराम्स नहीं है, आई थिंक हल्दीराम से ही ये लोग लेते हैं, कुछ टाइप होगा इनका, इसका नाम है मोपलीस, तो ये ऑल इन वन चिवड़ा है, और यहाँ पे भुजिया सेव भी है, स्नैक्स के टाइम पे ये सब रखा जाता है, देन वी हैव पाइनएप्पल टिडबिट्स, ये भी कभी फ्रूट्स ख़त्म हो गया रहेगा तभी ये यूज़ किया जाता है, देन वी हैव दिस रॉ हनी, एंड हियर वी हैव सॉल्ट, ना सॉल्ट ही है ना, तो वही अंदर भी वही है मस्टर्ड मशरूम के एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये क्या है, ये है वेजिटेबल सूप, बिकॉज सूप हमेशा दो बार बनता है दिन में, एक लंच के लिए और एक डिनर के लिए, और यहाँ पे है ये भी सूप का ही आइटम है, नहीं चॉकलेट फ्लेवर पुडिंग है ये, ये है विनेगर, और ये है न्यूट्रेला सोया चंक्स, इसकी भी सब्जी बनाते हैं वेज के लिए, तो ये पूरा वही है सोया चंक्स, एंड वी हैव दिस ब्रेड क्रम्स, चिकन फ्राई करना है कुछ, नगेट्स फ्राई करना है तो उसके लिए यूज होगा, बर्ग पैटी वैटी बनाना है तो, एंड हियर लाइट ब्राउन, ये प्योर केन शुगर है, शुगर केन इसके लिए ब्राउन शुगर है, इन शॉर्ट थोड़ा दिखा जाता है, एंड ये आइसिंग शुगर फॉर केक डेकोरेशन एंड ऑल दैट, ये है सोन पापड़ी, ये डेजर्ट के तौर पे हमें दिया जाता है, नीचे है रसगुल्ले का डब्बा, ये भी डेजर्ट में दिया जाता है, गुलाब जामुन है, यहाँ पे है ये भी रसगुल्ला है, ये नया आया है अभी, एंड ये ओपन नहीं किया तो आई डोंट नो क्या है ये सब, और यहाँ पे भी टमाटो के सॉस, टमाटो पेस्ट समथिंग है जो कि होल पील टमाटोस है, यहाँ पे रखा गया है मैगी नूडल्स, जगह नहीं है तो इसके लिए इधर ही रखा गया है, यहाँ पे है बाजरी फ्लार, ये बाजरी है, देन जवार के है, और ये रागी का है, तो जो हमारे कैप्टन है उनको आटे के साथ ये मिक्स करके वो रोटी खाते हैं, देन हियर वी हैव टाटा नमक, देश का नमक, और यहाँ पे है बेसन, ये पूरा भर के बेसन है, दही पकौड़े वो सब बनाने, दही कड़ी, मूंग दाल है यहाँ पे, देन वो है पूरा राइस देख सकते हो, बासमती चावल, यहाँ पे है बटर चिकन मसाला, जब बटर चिकन बनाएंगे तब के लिए, और इसमें ये चिली फ्लेक एंड कुछ कुछ मसाले हैं जो कि यूज होंगे, चाट मसाला एंड ऑल दैट, और क्या है यहाँ पे आपको दिखाने जैसा, ये चिकन मसाला है, ये चिकन सीजनिंग पाउडर है, यहाँ पे है चना दाल, यहाँ पे है स्प्रिंकलर्स जो कि यूज़ होता है केक्स में डेकोरेशन में करने, देन उसके ऊपर है ये है सफ़ेद चने, सम टैमरिंड, एंड वहाँ पे लिज्जड़ पापड़ है जो हर संडे संडे बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है, और यहाँ पे मसाले की भंडार है, कोई भंडार, गरम मसाला, बॉम्बे बिरयानी, शाही पनीर, फिश करी, एंड हाँ वही सब है, और यहाँ पे भी है राजमा करी, कसूरी मेथी, शाही पनीर, सब्जी मसाला, ये सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे पोहे रखे हैं, एंड यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, ये सब कोरिएंडर पाउडर है, और ये है हमारा सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट है यहाँ पे बट हमारा लास्ट है, और यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये खमन ढोकला रखा है,
ये भी सुबह नाश्ता में बना सकते हैं, है ना? या ओके। और यहाँ पे गरम मसाला है, गरम मसाला, ये चना मसाला, ये पूरे मसाले का पूरा काउंटर है यहाँ पे। और वहाँ पे MTR के भी कुछ कुछ इन्होंने रखे हैं, ये देखिए डोसा बैटर, इंस्टेंट डोसा है ना। और यहाँ नीचे इन्होंने रखा है गाइस, ये भी है बड़ा एंड दिस इज डोसा। तो ये भी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, इंस्टेंट होता है ये सब कुछ। बट इसमें इतना बट गाइस इतना ना, इसमें ना जो मैंने एक बार मैंने डोसा बनाया था खुद के लिए इंस्टेंट, वो मज़ा नहीं है यार, जो घर में हम लोग फर्मेंट के बनाते हैं वो मज़ा नहीं है। ओके तो यही है ट्राई प्रोविजन स्टोर, ये अभी कल ही आया पूरे मसाले, इसके लिए फुल भरा हुआ है। इसके लिए मैंने वेट कर ली थी ये वीडियो बनाने के लिए कि थोड़ा स्टॉक आ जाए, नहीं तो बहुत कुछ खत्म हो गया था अभी, हम लोग वेट कर रहे थे प्रोविजन का। सो दिस इज हाउ द ड्राई प्रोविजन लुक्स, इसमें प्लस माइनस होते रहता है, किसी शिप में कुछ ज़्यादा होगा, किसी शिप में कम होगा, ऐसे सबका अपना अपना रहता है अभी चॉइसेस। और आई होप यू लाइक इट, एंड मुझे ऐसे बहुत पसंद है इधर आना, ऐसे ही मैं आके देखती रहती, कभी चीप आते रहते तो मैं उनको बोलती मैं भी आती रहती। तो ये है ड्राई प्रोविजन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एक ही साथ में मैंने बहुत कुछ बोल दिया तो थक गई मैं, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेकिन आप लोग के लिए तो वीडियो बनाऊंगी जरूर। इफ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय चैनल, आई विल बैक टू सम अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल, देन बाय बाय एंड लव यू ऑल। और थैंक यू सागर, इतने टाइम से वो पकड़ के रखा है तो हाथ टूट गया, दो में टूट गया उसका हाथ। लाइक करो, लाइक बाय।